को टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी इन विच वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी एंड द न्यू बायोटेक्नोलॉजी. सो स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन व्हाट एक्चुअली द बायोटेक्नोलॉजी इज. सॉरी अच्छा बायोटेक्नोलॉजी इज अ सेट ऑफ मॉडर्न टूल्स दैट यूटिलाइज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर पार्ट ऑफ इट्स सेल्स tissues, genes and DNA to make, modify and improve plants, animals and develop microorganism for the welfare of human being. इसका मतलब ये हुआ कि जो बायोटेक्नोलॉजी होती है बेसिकली ये सेट होता है मॉडर्न टूल्स का जिसकी मदद से हम लोग यूटिलाइज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को या उनके सेल्स को या उनके टिश्यूज़ को या जीन्स को ये DNA को ताकि हम क्या करें उनको मॉडिफाई करें और इम्प्रूव करें किसको प्लांट्स एंड एनिमल्स को. ठीक है यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है किनकी मदद से मॉडर्न टेक्निक्स या टूल्स की मदद से ताकि उनको इन्हेंस कर सकें हम लोग जो है प्लांट्स एंड एनिमल्स को. ठीक है और डेवलप कर सकें हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग में इस्तेमाल हो सके. तो ये हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक फीचर आ जाता है. फिर अगर हम लोग बात करते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एक जो है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है और एक हमारे पास न्यू बायोटेक्नोलॉजी आ जाती है. तो जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी है इसमें अगर हम लोग देखें तो बायोटेक्नोलॉजी हैज़ बीन एम्प्लॉयड बाय ह्यूमंस फॉर मिलेनिया एग्जांपल इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन ऑफ बियर चीज़ एंड ब्रेड. मतलब ये हुआ कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ अभी न्यू नहीं है बल्कि ये काफ़ी पुराना है जिसमें हमारे पास देख सकते हैं हम बियर को कैसे बनाया करते थे चीज़ को और ब्रेड को ये ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजीज़ के प्रोडक्ट्स थे. फिर अगर हम लोग न्यू बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो रीसेंट डेवलपमेंट इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैव गिवन बायोटेक्नोलॉजी अ न्यू मीनिंग अ न्यू हॉरिजन एंड अ न्यू पोटेंशियल थ्रू यूज़ ऑफ रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. इसका मतलब ये हुआ कि न्यू बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एक टेक्निक है जिसे रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी कहते हैं यानी एक ऐसा DNA जिसमें हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंस्टॉल करते हैं इंसर्ट करते हैं और उसको फर्दर ऑन हम क्लोन करते हैं या उसके थ्रू हम फर्दर ऑन डिफरेंट किस्म के ऐसे प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं जिससे ह्यूमन बींग्स को फ़ायदा होता है या एनिमल्स को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है. इसे हम लोग क्या कहते हैं न्यू बायोटेक्नोलॉजी. फिर अगर हम लोग बात करते हैं रिसर्च डिविजन्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आजकल जो काम हो रहा है उसमें हम लोग कह सकते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में हो रहा है माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में हो रहा है एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में फिशरीज़ के अंदर हो रहा है और इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में यानी हेल्थ केयर वगैरह आ गई यहाँ पे फर्मेंटेशन वायरस रेजिस्टेंट क्रॉप पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप्स आ गई क्रॉप की प्रोडक्शन एग्रीकल्चर ये वाली बात यहाँ पे. हेल्थ केयर की हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास इंसुलिन पेंसिलिन और हमारे पास डिफरेंट किस्म की वैक्सीनेशन स्टेम सेल थेरेपी टारगेटेड ड्रग्स ये तमाम किसकी मदद से हो रही है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की मदद से. फिर इन्वायरमेंटल की अगर हम लोग बात करते हैं पोल्यूशन के कंट्रोल में और वेस्ट मिनिमाइजेशन में बायोसेंसर्स वगैरह जो है वो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी ही के प्रोडक्ट्स में आता है. फिर इंडस्ट्रियल में हमारे पास एथेनॉल आ गया एसीटोन आ गया कॉटन वगैरह क्वांटम कंप्यूटिंग ये सब हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही आती हैं ये चीज़ें. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की एक मिनट अच्छा तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में जो हम काम करते हैं वो प्लांट टिश्यू कल्चर होता है. क्यों करते हैं कि लार्ज स्केल मैनिपुलेशन करते हैं रेयर इंडेंजर फ्लावर और फ्रूट प्लांट की यानी इस टेक्निक के थ्रू हमने क्या किया मल्टीप्लिकेशन कर दी उन फ्लावर्स की या उन फ्रूट्स की जो कि रेयर हैं या इंडेंजर्ड हैं. यहाँ पर हम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं पैथोजन फ्री इंसेक्ट पेस्ट एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट बनाते हैं टिश्यू कल्चर और जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन से. फिर अगर हम मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन भी कर सकते हैं लोकल प्लांट स्पीशीज़ किसकी मदद से हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की मदद से. अब ये कुछ जो काम बायोटेक्नोलॉजी में होते हैं उसमें हमारे पास प्लांट टिश्यू कल्चर आ जाता है प्लांट जेनेटिक ब्रीडिंग आ जाता है प्लांट ब्रीडिंग आ जाता है DNA फिंगरप्रिंट्स ऑफ प्लांट्स आ जाता है मार्कर एडिड सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स आ जाता है और मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट क्रॉप जो होती हैं क्रॉप पेस्ट और पैथोजेंस आ जाते हैं. अगर हम लोग एस्टिमेट लगाएं तो 4000 से ज़्यादा प्लांट जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेथड से या मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी की मदद से डेवलप हो चुके हैं. अगर एरिया की बात करते हैं तो ये 68 मिलियन हेक्टर जो है इस एरिया पे हम लोगों ने मॉडिफिकेशन के थ्रू और जो है क्रॉप्स को हम कह सकते हैं डेवलप किया. फिर उसका मार्केट वैल्यू जो है 5 बिलियन है US. अगर हम लोग देखेंगे किन किन में हमने हेल्प किया है सोयाबीन की जो होती है मेज़ हो गया कॉटन हो गया कैनोला टोमेटो पोटैटो राइस इन तमाम के अंदर हमने बायोटेक्नोलॉजिकल जो है परस्पेक्टिव्स के थ्रू वर्क किया है.
अब इसमें मेजर ट्रेट्स कौन कौन से थे, यानी इन क्रॉप में हमने क्या क्या काम किया, इनमें इंसेक्ट रेजिस्टेंस डालने की कोशिश की, वायरल रेजिस्टेंस डालने की कोशिश की, हर्बिसाइड्स के टॉलरेंस के लिए कोशिश की, ड्रॉट और सेलिनिटी और टॉलरेंस की हम लोग बात करते हैं, न्यूट्रिशनल जो क्वालिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने की हम लोगों ने क्या किया था, कोशिश की थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो कनोला बना था वो 75% ऑफ द टोटल क्रॉप था। उसके बाद हम लोगों ने जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो कॉर्न बनाई 46% ऑफ द टोटल क्रॉप था। जेनेटिक इंजीनियरिंग से हमने पपाया बनाया, अल्फाफा बनाया, सोयाबीन था, कॉटन था और स्क्वाश थे। अगर हम लोग बात करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स बायोटेक्नोलॉजी के, ड्रॉट रेजिस्टेंस वीट जो है उसकी प्रोडक्शन की थी एक जीन इंस्टॉल करके जिसे डिरबावन जीन कहते हैं। इसी तरीके से किनोला का प्लांट जो कि 50% लेस नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र पे भी ग्रो कर सकता है अच्छे से। उसके बाद मेज़ के जो जीन्स थे जो इन्वॉल्व थे फोटोसिंथेसिस में वो राइस को बूस्ट कर रहे थे 35% तक उसकी यील्ड। उसके बाद हमने सॉल्ट टॉलरेंट जो है वो टोमेटोज़ बनाए थे। उसके बाद जो होता है इंक्रीज़ की थी विटामिन ए राइस जो होते हैं गोल्डन राइस के अंदर। फिर यहाँ पे एक प्लांट वैक्सीन थी इनप्लांटा वैक्सीन जो कि प्रोटेक्शन करती थी स्मॉल पॉक्स किसके अंदर, माइस के अंदर। उसके अलावा जो हमारे पास ये थे मेज़ थी इनके अंदर क्या किया गया था, एडिबल एचआईवी वैक्सीन को इंस्टॉल किया गया था। फिर हम लोग बात करते हैं माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी की, तो जेनेटिक इम्प्रूवमेंट की गई थी इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में यूज़ हो सकते हैं उनकी क्या की गई थी, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट की गई थी। फिर अगर हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इंजाइम्स केमिकल एंड अदर बायोटेक प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, यानी हमने क्या किया था बायोटेक्नोलॉजी की तरह से ऐसे प्रोडक्शन की थी इंजाइम्स की, केमिकल्स की और अदर बायोटेक प्रोडक्ट जो कि जिनकी इंडस्ट्रियल क्या थी, इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट बात अगर हम लोग करें तो डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और उसके बाद प्रोटीन इंजीनियरिंग, ये तमाम फील्ड्स वो हैं जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी में की गई। अगर हम लोग बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ टूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो 50% लिविंग मैटर होता है वो कंप्राइज करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। लेस दैन 1% ऑफ ऑल द बैक्टीरिया हैव बीन आइडेंटिफाइड कल्टिवेटेड एंड स्टडीड इन लैबोरेटरी। अब हमने माइक्रोबियल एंजाइम्स को जो कि बायोटेक के अंदर हमने यूज़ किए थे जिसमें टैक जो डीएनए पॉलीमरेज़ का है, फिर सेलुलेज था, फिर प्रोटीएज और एमाइलेज थे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की, द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू टेक डीएनए फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, सेल मस्ट बी मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप डीएनए। इसका मतलब यह है कि बैक्टीरिया के अंदर यह सलाहियत थी कि वो अपने अंदर जो है फॉरन डीएनए को इंसर्ट कर सकता था। उसकी मदद से हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के काफ़ी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ह्यूमन की इंसुलिन जीन हमने डाली थी बैक्टीरिया के अंदर जो जिसे फिर हम लोगों ने क्लोन किया और हमारे पास जो है फर्दर इंसुलिन की प्रोडक्शन हुई। इसी तरीके से एग्रो बैक्टीरियम के अंदर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं और वो फिर हम प्लांट बॉडी के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। एक और प्रोजेक्ट था ऑयल स्पिल क्लीनअप, वो भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से था। फिर एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या होता है, करेक्टराइजेशन, सिलेक्शन, कंजर्वेशन, जेनेटिक इंप्रूवमेंट ऑफ द एनिमल थ्रू मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स, ठीक है। बायोटिक ड्राइव जो है, थेरेप्यूटिक्स जो थे वो प्रोड्यूस किया, डायग्नोस्टिक किस थी, एंटीबायोटिक्स थे और वैक्सीन्स वगैरह थी। फिर इंप्रूवमेंट ऑफ फीड क्वालिटी थ्रू बायोटेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट अप्रोचेस, ये फिर कुछ इसमें आ जाते हैं हमारे पास, यानी हमने हेल्थ के अंदर क्या किया, कैंसर इमेजिंग एजेंट थे, रिकम्बिनेंट डेयरी प्रोडक्ट्स थे, ऑटो इम्यून थेरेप्यूट्स थे, डायबिटीज थेरेपी थी, ग्रोथ हीलिंग प्रोटीन्स थे। फिर जेनेटिकली इंजीनियरिंग फार्मास्यूटिकल्स में ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, अल्फा इंटरफेरॉन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन और इंटरल्यूकिन और हमारे पास एड्स आ जाती है। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स की बात कर सकते हैं। 1986 में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को इंस्टॉल किया था टोबैको में। 1989 में IgE IgG जो होती है एंटीबॉडी को उसको टोबैको में दिया था। फिर 1992 में हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन टोबैको के अंदर इस्तेमाल हुई। 1992 में अल्फा माइलेज जो था वो टोबैको के अंदर था। फिर इन 1995 IgA जो था टोबैको के अंदर। फिर इन 1997 एविडेंट जो थे मेज के अंदर। 2001 में वैक्सीन जो थी पोटैटो के अंदर। फिर आपके पास फंक्शनल एंटीबॉडी जो थी वो एलजी के अंदर डाली थी। और 2005 में ह्यूमन एंथ्रेक्स जो था वो डाले थे। फिर एनिमल प्रोडक्ट उसमें हमारे पास एक ट्रांसजीनिक कोड थी, इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, सिल्क जीन जो था स्पाइडर से डाला था गोट के अंदर और इस सिल्क को एक्सट्रैक्ट किया था और वाइट पाउडर किया था और स्पन कर दिया था फाइबर के अंदर। ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हुआ था। फिर ट्रांसजीनिक काओ के अंदर क्या किया था, कैस्किन जीन्स को डाला था जो 13% मोर मिल्क जो है वो प्रोटीन प्रोड्यूस करते थे। फिर हमने रिकम्बिनेंट प्रोटीन जो थी ड्रग काओ मिल्क के अंदर डाली थी, अल्फा 1 एंटीजन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फिसीमिया एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए।
अच्छा, फिशरीज़ के अंदर क्या क्या किया गया इसको ज़रा देखें। जीन लाइब्रेरी बनाई गई जिसमें क्रिटिकल इंडेंजर और वल्नरेबल फिशेस को जो था वो उनके जीन्स को कलेक्ट किया गया। फिर प्योर जीन लाइन की प्रिपरेशन की थी कार्प्स और अदर फिशेस के लिए। इम्प्रूव स्ट्रेन्स ऑफ फिश थ्रू सेलेक्टिव ब्रीडिंग की थी। फिर सस्टेनेबल वैरायटी ऑफ क्रिटिकल इंडेंजर फिशेस जो थी उनको प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया था। ट्रांसजेनिक फिश को प्रोड्यूस किया था जीन मैनिपुलेशन से। और मोनोसेक्स स्पीशीज जो है फिश पॉपुलेशन उनको प्रोड्यूस किया था। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं करेक्टराइजेशन ऑफ फिश यूजिंग मॉलिक्यूलर मार्कर और प्रोडक्शन ऑफ बायोटेक इम्प्रूवमेंट। अच्छा, हुआ क्या, एक ये जो हमारे पास फिशेस थी इनको कोशिश की थी 6 times फास्टर ग्रो किया जाए। किस क्या इंस्टॉल करके हमारे पास ग्रोथ हार्मोन यानी तिलापिया सेलमन और ट्राउट इनके अंदर किया गया था। एक एंटी फ्रीज प्रोटीन डाला गया था जो कि ग्रोथ हार्मोन के कम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ कनेक्टेड था। अब एज अ वाटर टेम्परेचर ड्रॉप्स द GHE इज टर्न ऑन यानी जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता था तो ये वाला जो जीन था एंटी फ्रीज प्रोटीन जीन ये एक्टिव हो जाता था और फिश इस कंडीशन में भी ग्रो करती थी। यहाँ पे आपको देख सकते हैं एंटी फ्रीज प्रोटीन लोअर द फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ ब्लड एंड फ्लूड। ट्राउट जो है नॉर्मली 0.6 पे ग्रो नहीं करती लेकिन इस जीन की वजह से ये ग्रो करगी और उसका साइज भी बहुत ज़्यादा था कंपेरेटिवली। ठीक है, फिर इन्वायरमेंटल ये तो हमें पता है बायोपेस्टिसाइड बायोफर्टिलाइजर्स होते हैं बायोरेबिटेशन जो होती हैं और वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स की हेल्प की थी बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस ने। और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो था ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स का। और हमारे पास ये बायो रिसोर्सेज में बायो फर्टिलाइजेशन और बायो रेमेडिएशन एजेंट्स थे बायो इंडिकेटर्स वगैरह। यहाँ पे एक लास्ट हम लोग बात कर सकते हैं जो हमारे पास थी कि 1950 और 1960 में डीएनए के स्ट्रक्चर को इनफोल्ड किया गया। 17 में प्लांट टिश्यू कल्चर प्लांट प्रोटोप्लास्ट और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जीन क्लोनिंग एग्रोबैक्टीरियम की ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी 1970 और 1980 में। फिर PCR टेक्नोलॉजी जो थी 1980 से 1990 में और फिर 1990 से डोली शीप्स जो थी और GM क्रॉप्स जो थी ह्यूमन जीन प्रोजेक्ट ये तमाम प्रोजेक्ट किए थे। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी का कुछ लेक्चर था। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।